वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का आर्क सर्वाइवल इवोल्ड मोबाइल के एक और नए एपिसोड में। और भाई आज की थोड़ी सी क्वालिटी तुम लोगों को ख़राब लग रही होगी वीडियो की, क्योंकि यार मेरे रिकॉर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है भाई। पता नहीं रिकॉर्डर मेरे स्टॉप हो जा रहे हैं भाई, पता नहीं यार रिकॉर्ड करते करते बीच में ही कट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक्स रिकॉर्डर से एडिट कर रहा हूँ ये वीडियो को, तो इसलिए यार क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छे से एडिट नहीं हो पाता है। खैर छोड़ो भाई, थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हुई होगी तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। बाकी गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पे सार्को को टेम करने वाले हैं। सार्को मतलब भाई मगरमच्छ हमारा, और यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स है भाई वो देखो भाई कितने तगड़े तरीके से ग्रो हो चुके हैं, जो हमने अगले एपिसोड में लगाया था। और काफ़ी सही इसमें भाई फ्रूट जो वेजिटेबल्स हैं वो आ चुके हैं। एंड यहाँ पे भाई हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बन रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चालू है। फ़िलहाल मैं थोड़े से और इसके अंदर जो गोबर है एनिमल के फेसेस हैं उनको डाल देता हूँ, ताकि हमारा फर्टिलाइज़र का काम रुके नहीं। और भाई मैंने ऑफलाइन में यहाँ पे एक डिमॉर्फोडॉन को टेम करा था, जिसका नाम मैंने पोपट रख दिया है, क्योंकि भाई ये हमारे बस कंधे पे बैठा रहता है और भाई इसका कुछ खास काम है नहीं, लेकिन ठीक है भाई काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है ये हमारे कंधे पे, देख लो यार काफ़ी सही दिखता है। तो इसलिए भाई मैंने यहाँ पे एक अपना पेट कह सकते हो टेम कर लिया है, जिसको हम अपने कंधे पे लेकर के घूमेंगे, और बस भाई इसका और कोई काम नहीं है। खैर इसके अलावा भाई ऑफलाइन में मुझे यहाँ पे फ्री गिफ्ट से मिला था ये वाला जो है लॉन्ग नेक राइफल, और इसका डैमेज देख लो भाई 580 का डैमेज है इसका, और ये अभी जर्नी मैन की है, मतलब असेंडेंट की भी नहीं है। अगर असेंडेंट की होती तो भाई काफ़ी ज़्यादा इसका डैमेज होता, 1000 प्लस हो जाता, लेकिन भाई इसके साथ भाई मतलब डायनोस को किल करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई। एटैक्स मैंने इसके अंदर लगा दिया है, बस जूम करना है एंड भाई पट्टे से हेडशॉट मारना होता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई, पबजी वाला एकदम फील आ जाता है भाई। खैर अभी यहाँ पे मुझे एक पीटी को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर पीटी के मैंने एक हेडशॉट मारा ना तो वो सीधा भाई नीचे गिर जाता है उड़ते उड़ते, भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं अभी एक पीटी को ढूंढ रहा हूँ, ताकि मैं उसको डाउन करके तुम्हें दिखा सकूँ। भाई मेरा फेवरेट शिकार बन चुका है अभी पीटी, जहाँ भी देखता हूँ भाई बस स्कोप खोल के बस पट से हेडशॉट मार देता हूँ उसको। खैर यहाँ पे 2-3 पीटी दिख रहे हैं मुझे, तो इनको भाई निशाना लगाना बस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें और भी ज़्यादा मज़ा आता है भाई निशाना लगा करके। रुको इसको मारने का ट्राई करता हूँ, एंड भाई ये 71 HP पे बच गया, अगर हेडशॉट लगता तो नहीं बचता। खैर इस पर ट्राई करते, ओके भाई इसको तो लगा ही नहीं, कोई बात नहीं भाई एक तो मैं दिखा के ही जाऊंगा तुमको। एंड भाई पैरासोर बीच में कहां से आ रहा है, ओके कहां गया यार, देखना भाई कैसे डाउन होता है ये। ओके तो ये देख लो भाई एक मैंने यहां पे गिरा दिया मार के। खैर छोड़ो भाई ऐसा ही लगता है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और भाई आज के इस एपिसोड में हम लोग यहाँ पर सार्को को टेम करने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई इन सब पे, चलते हैं सीधा अपने बेस पे। एंड इसको मार पाया तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन फिर से बच गया यार। खैर छोड़ो भाई चलो सीधा अपने बेस पे चलते हैं एंड भाई मगरमच्छ को टेम करने की तैयारी करते हैं। One eternity later. तो चलो भाई लोग अभी मैंने सारी तैयारियां यहाँ पे कर ली है, सारी चीज़ें मैंने ले ली है जो भी एक सार्को को टेम करने के लिए लगता है। वैसे भाई इसका नाम सार्को क्यों रखा है भाई, सार्को सुन करके भाई मेरे को सार्क की याद आ जाती है, लेकिन खैर ये सार्क नहीं है भाई, ये यहाँ पे मगरमच्छ होने वाला है। और मगरमच्छ को ढूंढने के लिए मुझे कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नदी है मेरे बेस के बगल से जो जाती है वो सीधा जाती है भाई स्वैम्प में, बस इस नदी के पीछे पीछे जाना है और मुझे लेकर के ये सीधा स्वैम्प में चली जाएगी, और स्वैम्प में भाई भर भर के मगरमच्छ मिल जाएंगे मुझे, जहाँ से मैं एक हाई लेवल का मगरमच्छ देख करके टेम कर लूँगा अपने लिए। और देखते हैं भाई एक हाई लेवल का अगर मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है ढूंढने में उसको, और मगरमच्छ को चलाने में भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमको आज। तो चलो देखते हैं अगर टेम कर पाया तो अच्छी बात है। ओके तो भाई यहाँ पे एक ब्रोंटोसोरस घूम रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा डायनासोर है, अगर टेम कर लिया इसको तो भाई मतलब कोई हमको फिर मार ही नहीं पाएगा, मतलब इतना हेल्थ है ना उसका, 15 लेवल का था और 4000 हेल्थ थी भाई उसकी। और यहाँ पे एक
मेढक भी है भाई, मेढक को भी हम लोग टेम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं भाई उसका सैडल बनता है कि नहीं। खैर छोड़ो भाई, कैप्रोसूचस यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसको यहाँ पे पहले फिनिश करते हैं, क्योंकि कैप्रोसूचस भाई राइडर को उतार देते हैं। एंड भाई ये डिमॉर्फोसोरस जो है, इसका भाई क्या यूज़ होता है यार, इसको टेम करना चाहिए कि नहीं हमको, और इसका यूज़ क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर तुम लोगों को पता होगा तो यार बता देना। खैर अभी यहाँ पे मुझे एक सार्को दिखा है, तो इसका लेवल 90, भाई साहब काफ़ी तगड़ा लेवल का है यार, 90 लेवल काफ़ी सही है, उससे ज़्यादा लेवल तो मुझे नहीं लग रहा कि मिलने वाला है आज। तो चलो इसी को हम लोग यहाँ पे अभी टेम करते हैं। वैसे पीछे भाई एनाकोंडा पड़ गया हमारे, एंड भाई ये यहाँ पे टाइटेनो बोआ हमारे पीछे पड़ गया था, खैर इसने एक बार काट भी लिया हमको, लेकिन भाई रैप्टर को जल्दी जहर नहीं चढ़ता उसका। तो चलो भाई अभी ओ अरे भाई कौन आ गया, अभी सार्को पीछे से आ गया भाई, एक एक लोग डिस्टर्ब किए जा रहे हैं भाई, पीछे से अचानक से आ गया यार, फट के हाथ में आ गई। खैर इसको अभी यहाँ पे ये रहा 90 लेवल वाला, तो इसको फॉलो करा करके लेकर के चलते भाई पहाड़ के पास, एंड वो फिर से पत्थर में अटक गया आई थिंक, और उसका एग भी दिख रहा है मुझे यहाँ से, उसको भी उठा लेंगे। इससे पहले भाई हमको यहाँ पे सार्को को अपने पीछे लगाना होगा, तो यहाँ से एक एरो में मारने का ट्राई करता हूँ। ओके लग भी गया उसको, तो चलो अभी आ जाएगा हमारे पीछे पीछे, एंड भाई जल्दी से आ जाए इस पहाड़ के पास, यहीं पे भाई उसका काम करेंगे हम लोग। लेकिन भाई वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया यार, आजा भाई आजा आजा भाई साहब, वो उसके पीछे पड़ गया यार, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे। वैसे तो अगर मैं आऊँगा तो भाई पीछे ही पड़ जाते, छोड़ते ही नहीं, लेकिन अभी भाई पता नहीं यार किसके किसके पीछे पड़े जा रहा है। खैर आई थिंक यहाँ पे ये पत्थर में अटक गया है, तो इसको थोड़ा सा इधर से पहाड़ की तरफ लेकर के जाना पड़ेगा। ओके तो भाई आ रहा है ना मेरे पीछे, आई थिंक आ रहा है वो। ओके तो भाई आ गया अभी हमारे ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब हमारे नहीं पहाड़ के नीचे आ गया भाई। तो चलो अभी इसको यहाँ पे नॉक करते हैं जल्दी से, अभी ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। ओके चढ़ने लगा यार, खैर अभी यहाँ पे ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसको जल्दी से यहाँ पे एरो मार मार के गिराते हैं। एंड भाई भागने लगा, आया मज़ा भाई साहब, कब से डिस्टर्ब किए जा रहा था। चलो अभी यहाँ पे ये डाउन हो चुका है, तो रैप्टर को लेकर के चलते हैं वहाँ पे। एंड भाई इसको मैं टेम करने के लिए यूज़ करूँगा भाई यहाँ पे जो प्राइम मीट होता है, ये जो बड़े बड़े जानवर दिख रहे हैं ना, इन्हीं से मिलेगा मुझे ढेर सारा प्राइम मीट। तो प्राइम मीट खिला खिला करके मैं इसको यहाँ पे टेम कर लूँगा, और ये फीमेल है तो काफ़ी सही रहेगा, इसके अंडे हमको भाई फ्री में मिलते रहेंगे। तो चलो भाई मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे थोड़े से स्पाइक वॉल्स लगा देता हूँ, ताकि भाई कोई भी इसको डिस्टर्ब ना कर सके टेम होने में, क्योंकि यार ये स्वैम्प एरिया है, तो काफ़ी ज़्यादा डायनासोर यहाँ पे आते रहते हैं। तो वुड मुझे चाहिए होगा, बाकी सारा सामान है मेरे पास। तो चलो भाई मैं यहाँ पे थोड़े से वुड कलेक्ट करता हूँ, एंड बनाते हैं भाई स्पाइक वॉल्स जल्दी से। ओके तो भाई जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने स्पाइक वॉल्स लगा दिया इसके तीन, मतलब जिधर से डायनासोर आते हैं उधर से मैंने तीन लगा दिए, बाकी तरफ से दिक्कत नहीं होगी। और मैंने यहाँ पे भाई प्राइम मीट्स का भी जुगाड़ कर लिया है, तो चलो इसको फीड कराते हैं और देखते हैं भाई इसको टाइम होने में, मतलब टेम होने में यहाँ पे कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और थोड़े से नारकोटिक्स भी इसको मैं यहाँ पे फीड करा देता हूँ। ओके तो आई थिंक 6% एक बार में टेम हो रहा है, दो बार में 13% टेम हो चुका है, तो टाइम तो भाई काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है इसको टेम होने में। तो चलो भाई मैं यहाँ पे मिलता हूँ तुम लोगों से यार, जब ये मतलब अपनी आखिरी बाइट खाने वाला होगा तब मिलते हैं तुम लोगों से, तब तक यार देखते कितना टाइम लगता है। A few inches later. ओके गाइस यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो यार, हमारा सार्को 96% टेम हो चुका है, और भाई एक रात हो चुकी थी पूरी, तो मैं यहीं पे बेड लगा के सो गया था, और अभी वापस से दिन हो चुकी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा यार, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन अभी हमारा सार्को यहाँ पे हो चुका है फाइनली टेम भाई साहब। तो यार कितने लेवल का हो गया होगा ये, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका होगा, क्योंकि 90 लेवल का था यार, और सार्को को भाई राइड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो भाई 132 लेवल का हो चुका है ये, और इसको भाई मैं घर कैसे लेकर के जाऊंगा भाई, ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा यार, अटक गया क्या यहाँ पे,
चलो रैप्टर पे बैठते हैं और देखते हैं भाई कैसे लेकर के जाना पड़ेगा इसको अपने बेस तक, क्योंकि अभी इसके पास सैडल नहीं है और मैं सैडल बना भी नहीं सकता क्योंकि सीमेंटिंग पेस्ट लग रहा है और सीमेंटिंग पेस्ट मिलेगा घर पे ही, लेकिन ये मुझे फॉलो ही नहीं कर रहा भाई। क्या हो गया यार, ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा? आजा ताऊ, क्या हो गया भाई इसको? अरे यार ये तो हिल भी नहीं रहा, आई थिंक अटक गया है। ओके अभी चला। ओके तो भाई पता नहीं यार ग्लिच होता रहता है आर्क में, तो चलो इसको किसी तरह भाई फॉलो करा के लेकर के चलते हैं अपने बेस पर। ओके अभी तो आ रहा है एंड देखते हैं भाई, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ यार, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और क्योंकि यार इसको लेकर के जाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा यार, ये हर बार अटकेगा, तो इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड मैं जाता हूँ बेस पर और सैडल बना करके लाता हूँ और फिर इसको भाई सैडल देंगे और इस पर राइड करते हुए चलेंगे अपने बेस पर, या फिर इसको यहीं पे टेस्ट आउट भी कर लेंगे। वैसे कोई उसको मार तो नहीं पाएगा भाई, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है वो, तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं चलता हूँ बेस पर और ले करके आता हूँ जल्दी से इसके लिए एक सैडल। A few moments later. All right guys, तो मैंने यहाँ पे अभी एक सैडल बना लिया है और अभी चलते हैं अपने सार्को के पास और इसको पहनाते हैं भाई जल्दी से सैडल एंड इस पे करते हैं राइड भाई। 132 लेवल का हो चुका है और भाई 1900 की हेल्थ है इसकी, मतलब रैप्टर की मैंने 2000 हेल्थ की और मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया उसके हेल्थ में। इसको भाई मैं 3000 हेल्थ कर दूंगा आराम से, उसके बाद भाई इसके मेली डैमेज पे वर्क करेंगे। फिलहाल भाई इसके ऊपर राइड करते हैं एंड भाई स्पेशल अटैक्स हैं इसके पास यार काफ़ी ज़्यादा, तो इसको लेकर के चलते हैं भाई किसी डायनो पे ट्राई करते हैं। ओके तो सार्को ही दिख रहा है, इसी पे ट्राई करते हैं भाई, इसको जल्दी से आ जा यार। तो भाई यहाँ पे इसका डैमेज ठीक ठाक ही है, मतलब उतने धीरे धीरे है अटैक, इसका जो अटैक करने का स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो है। रैप्टर का भाई काफ़ी ज़्यादा फास्ट था तो अभी उसी की आदत हो चुकी है मुझे। खैर अभी यहाँ पे कोई और डायनो ट्राई करते हैं। तो यार यहाँ पे अभी कोई डायनो ही नहीं दिख रहा, मतलब वैसे आता हूँ तो यार भरे रहते हैं कैप्रो सूचा सार्को पता नहीं क्या क्या पड़े रहते हैं भाई। फिलहाल यहाँ पे फियोमिया ही दिख रहा है, फियोमिया पे ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं फियोमिया को डाउन करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है भाई हमको। 500 की हेल्थ है और भाई इसको ओके कैप्रो आ गया भाई, आई थिंक कैप्रो सूचे जो है वो हमको सार्को पर से उतार नहीं सकता इसीलिए भाई, वरना अभी तक तो वो हमको उतार भी चुका होता। यार भाई कैप्रो सूचेस का बैंड बच चुका है एंड भाई पानी में स्पीड देखो यार इसकी, भाई साहब कितनी ज़्यादा स्पीड है भाई पानी में, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यार ये तो, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा फास्ट होगा भाई, तो काफ़ी सही डायनो यार। अंडर वाटर भी मैं इसको ले करके जा सकता हूँ मतलब। तो गाइस बस यही था भाई सार्को के अंदर, और कुछ खास नहीं है भाई, बस एक स्पेशल अटैक है जंप करके अटैक करता है, वो मैं तुम्हें भाई कभी बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल भाई मुझे पानी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, इतनी स्पीड में मेरा पहला डायनो है जो राइड कर सकता है, वरना भाई सारे डायनो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो यार इसको लेकर के मैं अभी बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जाने वाला हूँ पानी में, तो कैसा लगा भाई हमारा सार्को कमेंट करके बताना। बाकी चलो भाई ये देख लो यार इसका सेकेंडरी अटैक जो है जंप करने वाला, वो भाई लैंड पे तो कुछ ज़्यादा ही स्लो है ये, मतलब फियोमिया को नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं। खैर छोड़ो जो भी है यही है भाई हमारा सार्को। तो चलो गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में आर्क सर्वाइवल इवोल्ड के। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।